सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टुवर्ड्स सोसाइटी होने के बाद अब मैं OCM के अंदर चैप्टर 6 में आपका एक नया टॉपिक लेने जा रहा हूँ, CSR। क्या होता है ये CSR? दो मिनट में पहले समझेंगे इसको शॉर्टली, फिर उसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये क्या है? तो कंपनीज के लिए ये ऑब्लिगेट किया गया है इंडिया के अंदर। अप्रैल 2014 के बाद सारी कंपनीज को ये मैंडेटरी किया गया है कि अपने प्रॉफिट का, नेटवर्थ का 2% वो सोसाइटी के वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए, वेल्थ अरेंज होने वाले प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, डोनेट करेंगे। और उस मैंडेटरी प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट नाम दिया है सोशल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनीज, ऑल लॉफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब आप बोलोगे सर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड सोसाइटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये दोनों दिखने में तो सेम दिख रहा है। तो मैं कहूंगा है वो सेम ही, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपनी भी करती है, लेकिन सिर्फ कंपनी नहीं करती है, सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप हर टाइप के बिजनेस को करना है। लेकिन ये जो CSR है ये सब कंपनीज के लिए ऑब्लिगेट किया है, मैंडेटरी किया गया है। क्यों पूछो? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि जिस सोसाइटी से आप कमा रहे हो उसको देना जरूरी है। अब आप लोगों से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में तो आपने यही सिखाया था, नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में शुड आता है, शुड यहाँ पे मस्त आएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो भी प्रोडक्ट टूवर्ड्स ओनर, टूवर्ड्स कंज्यूमर, टूवर्ड्स गवर्नमेंट, टूवर्ड सोसाइटी, टूवर्ड इन्वेस्टर्स, वो दुकान के लिए ऑब्लिगेशन नहीं है, ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए, ऐसे दुकान को बोला गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपनीज की, कंपनी बोले तो बड़े पैमाने की दुकान, तो बड़े पैमाने की दुकान के लिए ये प्रोग्राम जो है वो कंपलसरी किया गया है कि कंपनीज को कंपलसरीली सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना है, और उसको नाम दिया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपने पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया ऐसी कंट्री है जहां पे CSR हर कंपनी को कंपलसरी है 2014 के बाद। और उसके लिए गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बनाया है कि आप देखिए जितने भी मिड डे मील होता है स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील होता है ना, मिड डे मील में आपके मालूम है क्या होता है? जो गरीब बच्चों को अच्छा खाना देते हैं, है ना, वो खाना रतन टाटा जी के यहाँ से आता है। अभी रतन टाटा जी के पास क्या इतना भरपूर पैसा है, या वो क्या इतना चैरिटी कर रहे हैं? करते हैं, अलग बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कंपलसरी है उनको। यानी हर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखो जो चैरिटी डोनेट जो प्रोग्राम्स करती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, वो CSR के अंतर्गत ही करती है। यानी वो चाहे या ना चाहे उनको करना पड़ता है, ये कंपलसरी है, क्योंकि 2% अपने प्रॉफिट का, नेटवर्थ का 2% वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कंपलसरी है कॉन्ट्रीब्यूट करना, एज ए डोनेट करना। ऐसा क्यों किया है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि जिस सोसाइटी के बदौलत आप कमा रहे हो उसको कंट्रीब्यूट करना आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोग्राम्स में, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर CSR के थ्रू हर कंपनी अपना 2% देती है। तो बस यही था एक्सप्लेन करने वाला CSR। CSR मैंडेटरी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑप्शनल है, वो सजेशन है कि आपको करना चाहिए आपकी दुकान को। और ये अगर आपकी दुकान बड़ी दुकान बन गई कंपनी तो कंपलसरी करना है, समझा? है दोनों में सेम, और कुछ भी अंतर नहीं है। आप एक दुकान जब सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की जिम्मेदारी लेता है तो वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और जब कंपनी सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की जिम्मेदारी लेकर उनके वेलफेयर के लिए जो फंड्स ऑर्गेनाइज करता है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्क होता है कंपनी करती है तो उसको CSR के अंतर्गत दिखाती है, और सोल ट्रेडिंग कंसर्न पार्टनरशिप करता है तो वो कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा हूँ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी, टुवर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। बस यही अंतर है और कुछ नहीं है। सो गॉट इट क्लियर? अब मुझे इससे ईजिएस्ट वे से, मेरे को लगता नहीं कि आपको और समझाने की जरूरत है। जितनी भी आपने जिम्मेदारियां देखी towards consumer, towards owner, towards investors, customer, ये जब कंपनी करती है सारी जिम्मेदारियां तो उसको वो CSR बोलती है बस।
सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सी एस आर। हर साल अपने नेटवर्थ का 2% कंपनीज को सीएसआर में दिखाना है, तो वो चैरिटी दिखाते चैरिटी है सोसाइटी, लेकिन ये उनको मैंडेटरी है अभी। यानी हर अगर तुम कंपनी बन गए एक बार और तुम्हारा 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, अगर आपका सेल है, तो आपको 2% हमेशा हर साल 2% आपके नेटवर्थ का यानी आपके प्रॉफिट का आपको दिखा सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना है। यानी सीएसआर के थ्रू आपको गवर्नमेंट को दिखाना है कि हम लोग सोसाइटी के वेलफेयर प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कौन से? तो कभी प्लांटेशन करना, कभी पार्क बना देना कहीं पे भी, या कभी आप देखिए कोई रेसिडेंशियल एरिया के अंदर पार्क बनता है तो बहुत सारी कंपनियां बनाती है उसको, या कभी आप देखो स्कूल के अंदर डेस्क बेंच प्रोवाइड करना जो म्युनिसिपल स्कूल्स होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स कंपनियां हेल्प करती है अंडर किसके अंडर में, अंडर द सीएसआर। यानी सीएसआर उनको मैंडेटरी करता है, गवर्नमेंट उनको मैंडेटरी कर रहा है कि भाई करना ही पड़ेगा तुमको, सिंपल भाषा में। कुछ क्वेश्चन है नेट के बाद आप पढ़ाने वाले क्या हो? अब हम इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे और इसके लिए गवर्नमेंट कितना अवेयर है रिगार्डिंग कंपनीज, रिगार्डिंग सोसाइटी के लिए, कंपनीज को ऑब्लिगेट करके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, वो हम इस लैंग्वेज सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। ओके, और सीएसआर के अंतर्गत कौन सी एक्टिविटीज करती है कंपनियां, कर सकती है, इन्हें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, वो भी हम यहाँ देखते हैं। आप देखिए ना कितने बहुत सारी कंपनियां कोई कैंसर को प्रमोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट याद करो, हमने मेमोरेंडम बनाया था, तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है, प्रोवाइड सोशल सर्विसेज, तो सोशल सर्विसेज में ये सोशल रिस्पॉन्स भी आती है सीएसआर के अंतर्गत। आज रतन टाटा जी टाटा हॉस्पिटल बना के कैंसर का लाखों का इलाज वो मात्र हजारों रुपए में कर रहे हैं, तो ये किसके तहत, बाकी का पैसा कहाँ से आ रहा? रतन टाटा जी अपनी कंपनी से दे रहे हैं। और ये वो क्या क्लेम कर रहे हैं कि हम सीएसआर के अंतर्गत सोसाइटी के अंदर कैंसर को मुक्त कर रहे हैं, समझा आपको? तो जितनी भी कंपनियां चैरिटी करती है, चैरिटी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए प्रोग्राम सेल करती है ना सोसाइटी के लिए, वो सब सीएसआर के अंतर्गत आता है। बस अभी इसके अलावा मुझे और कुछ यहाँ बताने के लिए है ही नहीं डेटा। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है कि सीएसआर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, सीएसआर के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी बॉडी बनाई है ताकि सीएसआर इंप्लीमेंट हो, कहाँ पे, देश के अंदर। यानी अगर शशांक ने कल अपनी बड़ी कंपनी बना दी तो उसको नेटवर्थ का 2% सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए करना ही है, चाहे अच्छा हो चाहे। ऐसा क्यों होता है बोलो शशांक? जिस सोसाइटी से कमा रहे कुछ तो देना कंट्रीब्यूट, सही कि नहीं, वेलफेयर के लिए। तो उनके वेलफेयर के लिए जो प्रोग्राम सेट होती है वो सीएसआर है कंपनी द्वारा, ऑल लॉफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब घुमा फिरा के तुम वही सुना चाहते क्या? चलो लैंग्वेज में कंसेप्ट क्लियर है भाई तुम्हारा, क्या तुमको एक आदत हुई है कि जब तक सर लंबा नहीं खींचेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आता है? कुछ चीजें शॉर्टली होती है भैया, अब क्या करेंगे हमने? अच्छा बताओ मैंडेटरी कौन है सीएसआर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसके लिए मैंडेटरी है? ओनली कंपनी के लिए। सोलिसिटिंग कंसर्न पार्टनरशिप बोलेंगे, मैं खुद को नहीं पाल पा रहा, सोसाइटी को क्या पालू? पहले अपनी तो नीड्स फुलफिल करूं भाई, सही कि नहीं? चल पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग, देखो सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल एम्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटल गोल्स और सपोर्ट वॉलेंटरिंग और इथिकली। इथिकली का मतलब होता है अपनी अंतरात्मा से, यानी इन शॉर्ट अंदर ही हमको पता होना, जिससे हम कमा रहे उसको देना, ये हमारे अंदर एक सभ्यता होना चाहिए, बराबर कि नहीं? अब आप ही देख लो, आपको अगर मैंने सेंड ऑफ नहीं दिया सेंड ऑफ, तो क्या बोलोगे? सर फीस लेते लेकिन रिटर्न में कुछ देते ही नहीं है, है ना? तो वो एक अंदर एथिक्स होता है ना, हाँ ए मैं सेंड ऑफ दूंगा भी नहीं, हाँ ए प्लीज क्या है ये, यानी एथिकल ना क्या होता है भाई, अंतरात्मा से मानो जी जितना कमा रहे कुछ तो रिटर्न दो उसको बदले में, तो एथिकल हो गया। क्या हो गया वो? यहाँ तो वॉलेंटरी यानी अपनी इच्छा से यानी कभी कभी क्या होता है कोड ऑफ कंडक्शन से, या तो अपनी इच्छा से, जो हम सोसाइटल गोल को सपोर्ट करते, क्या कहते हैं सोसाइटल गोल, यानी सोसाइटी जाती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए गए वो पूरा करने के लिए जो कंपनियां द्वारा सेल्फ रेगुलेटिंग मॉडल बनाते हैं उसको बोलते हैं सी एस आर।
इट मेक्स अ कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल. एक ये सीएसआर क्या करता है, कंपनियों को अकाउंटेबल बनाता है और सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि सोसाइटी के प्रति हम जागरूक हैं और हम अकाउंटेबल यानी एंसरेबल हैं, यानी हम लोग सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो रिटर्न में हम सोसाइटी को वेलफेयर में दे भी रहे हैं कुछ ना कुछ. इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी. क्या बोलते हैं, हम जिससे खा रहे उसको दे भी रहे ऐसा. दिस अकाउंटेबिलिटी इज टूवर्ड्स यस दिस अकाउंटेबिलिटी इज टूवर्ड्स इटसेल्फ इट्स स्टेक होल्डर्स. अब स्टेक होल्डर कौन होता है बताओ, शेयर होल्डर्स है ना. अब शेयर होल्डर के प्रति अब जिससे तुम जिस जो तुमको इन्वेस्ट कर रहा है उसके प्रति कुछ तो दो. अब एवरी शेयर होल्डर इज अ कॉमन पीपल और कॉमन पीपल इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. तो सोसाइटी के लिए वेलफेयर कर दो, इनडायरेक्टली स्टेक होल्डर क्रेडिटर्स सभी के लिए तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो. इन शॉर्ट तुम नहीं तुम्हारी कंपनियां, ये कंपनी के लिए ऑब्लिगेट है, ओनली मैंडेटरी है. एंड पब्लिक इन जनरल एक्सेट्रा. By practicing social responsibility, company can be conscious about economic, social, environmental aspect of society. CSR करने के तहत कंपनी जो है वो सोचती है कि हम economically, socially, environmentally हम अपनी societies को कैसे develop कर सकते हैं. Environmentally के लिए वो tree plantation करती है, सोसाइटी के लिए वो कल्चरल प्रोग्राम्स को प्रमोट करती है और पैसा तो देती रहती है इकोनॉमिक. आज अंबानी ने शादियां कराई, आज ये कराई, आज वो कराई, चालू रहता है. देखा होगा बहुत सारी कंपनियों का है ना. तो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड रीजन वाले लोग होते हैं उनको भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग कैसे करके एम्प्लॉयमेंट देकर, एम्प्लॉयमेंट देते ना रोजगार, या फिर वो वहाँ पे फंड्स देकर जो बैकवर्ड रीजन है उनको फंड्स देकर वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने की कोशिश करती है सीएसआर के तहत. डेफिनेशन दिया है तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहती है क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मैनेजमेंट कंसेप्ट. क्या ये, वेयर बाय कंपनी इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब जुड़ना, कनेक्ट होना. इंटीग्रेट सुना है बड़ा आपने, इंटीग्रेट का मतलब. देखो मैं यहाँ पर डिक्शनरी बनने नहीं आया हूं, तुम बोलोगे हिंदी का वही अनुवाद बताओ तो सॉरी भैया, जो यहाँ पे मैच करता है वर्ड उसको मैं आपको रिप्लेस करता हूँ कंडीशन देखकर. डिक्शनरी खोल के बैठोगे तो एग्जैक्ट ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा. यहाँ पे वो कनेक्ट कर रहा है इसलिए मैं आपको यहाँ पे वर्ड उसको मीनिंग बता रहा हूँ. इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, जिस एनवायरमेंट के रिसोर्सेज लेकर कंपनियां तुम कमा रहे हो उसके लिए रिटर्न्स में क्या दे रहे हो. अब तुम बताओ कंपनियां इंडस्ट्री करेगी या ट्रेडिंग करेगी, थोड़ा पॉल्यूशन तो करेगी, हार्म तो कर रही एनवायरमेंट को, तो रिटर्न में दो ना ताकि रिसोर्सेज प्लस माइनस होते जाए. तो इन्वायरमेंटल के लिए वो ट्री प्लांटेशन पार्क्स ऐसे बनाएंगी ताकि हरियाली भरी रहे तो इन्वायरमेंट भी हमारा अच्छा खासा रहे. ऐसे कंपनियां रिसोर्सेज निचोड़ खा लेंगी पूरी तो बताओ क्या होगा, हमारा अर्थ जो है खत्म हो जाएगा. और खत्म हो गया अगर तो क्या होगा बोलो, जैसे डायनासोर का अस्तित्व मिट गया हमारा भी अस्तित्व खत्म. इंसान थे है नहीं थे आ जाएगा है ना. अब इंसान में कंपनी यहाँ पे चलाने वाले भी लोग होते हैं ना, तो इसलिए इन्वायरमेंट को कोई रिटर्न दो कुछ ना कुछ, सोसाइटी जिससे कमा रहे हैं उसको भी रिटर्न दो कंपनियां, ऐसा उनको ऑब्लिगेट किया गया यहाँ पे, यानी मैंडेटरी किया गया. इन देयर बिजनेस ऑपरेशन एंड इंटरेक्शन विद देयर स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर के साथ मिलकर या तो बिजनेस करने के दौरान आप ये सब बातों को ध्यान में रखना है. A stakeholder is a party that has an interest in the company and can either affect or affected by the business. Primary stakeholder is a typical corporation or its investors. Simple bhasha mein. Investors, customers, employees, supplier, ye sab stakeholder mein aata hai. Isliye mereko thoda laga, shareholder is a stakeholder, but only shareholder is not a stakeholder. Borrowers also the stakeholder, supplier and creator also is the stakeholder. Okay, the word stakeholder is wider term than shareholders. That's why यहाँ पे stakeholder बोला गया है, यानी जिससे कमा रहे हो stakeholder से उसको return में देना जरूरी है. और सारे stakeholders जो है they are the part of society, कोई ना कोई. That's why definition easy है, समझा आपको. अब CSR committee बनाई है government ने भैया.
CSR committee will consist of four directors who shall meet at least twice in a year to discuss and review the CSR activity and policy. Company को obligate किया है कि कम से कम चार director मिलके CSR के बारे में साल में discuss करो, twice in a year, दो बार. और देखो ये साल कहाँ कहाँ invest करना है तुम्हारी company का funds 2%. तो पहले ये चार इन्हें क्या होगा, कमिटी मीटिंग करेगी. यानी सारे डायरेक्टर्स की आने की जरूरत नहीं है, सारे डायरेक्टर्स की आने की जरूरत नहीं है. चार डायरेक्टर बनाओ गवर्नमेंट बोलती कंपनियों को, और दो साल में दो बार अपनी मीटिंग करो आपस में, और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है सोसाइटी, कौन से प्रोग्राम है, कोई हेल्थ करेगा, कोई एजुकेशन में करेगा, कोई स्पोर्ट करेगा, कोई कल्चर को करता है, ऐसे कहाँ करना है इन्वेस्टमेंट करके रखो, सोच के रखो. पैसा आया प्रॉफिट की 2% तुमको लगाना है, समझा. और ये 2% कहाँ लगाना है वो भी डायरेक्टर डिसाइड करेंगे. ओके, जो डायरेक्टर हमने बनाया हुआ है, सारे बोर्ड में से चार डायरेक्टर चाहिए. आगे अब सीएसआर एक्टिविटीज है. अब सीएसआर एक्टिविटी कौन कौन सी बता दिया हमको, प्लांटेशन वगैरह वगैरह, स्कूल में प्रोग्राम, मिड डे मील खिलाना गरीबों को, या फिर कोरोना ऐसी स्थिति आ गई तो उसमें पैसा बांटना इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन के लिए, ये सब आता है. यानी ये एक्टिविटी करके आप चाहो तो सीएसआर का पैसा दिखा सकते हो कि हमने, यानी इन एक्टिविटीज में अगर आपने पैसा लगाया तो ही गवर्नमेंट आपका ये फंड एज अ सीएसआर फंड एक्सेप्ट करेगी. हाँ, 2% तुम लगाया, ठीक है. अब आगे चलो, क्लियर. अच्छा है ना, गवर्नमेंट हमारी कितनी जागरूक है. देखो कंपनी को बोलेंगी पूरा तुमको न खाऊंगा न खाएंगा, मोदी जी बोलते हैं तुम खाओ लेकिन बांट के खाओ, है ना, मिल बांट के. रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, गरीब एरिया के अंदर कुछ प्रोजेक्ट लग रहा है तो सीएसआर आपके तहत आप उसको, यानी कंपनी आपकी लगाया पैसा तो वो एक्सेप्ट करेगा फंड, 2% में आ जाएगा आपका. स्लम एरिया डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स नेशनलिटी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स. जैसे एग्जांपल में कंपनी डायरेक्टर हूँ, मैंने कोई स्लम एरिया में जाके अखाड़ा खोल दिया, अखाड़ा, और बोला ए जवानों आओ रे अखाड़े में करो प्रैक्टिस, तो क्या हो गया, ये भी सीएसआर एक्टिविटी का फंड मैं कैलकुलेट करूंगा. मैंने 2% का फंड मैं उस पर लगाया तो गवर्नमेंट को मैं दिखाया था कि देखो मैंने सीएसआर में लगाया है पैसा, मैं कौन, कंपनी का डायरेक्टर, और पैसा कहां से लूंगा, कंपनी से. ओके क्लियर. देखो वही लिखा हुआ है, ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स नेशनलिटी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. जो भी आपको ट्रेनिंग देना है वो पैसा भी आप सीएसआर के तहत एक्सेप्टेबल होता है. एम्प्लॉय इनहांसिंग वोकेशनल स्किल, ये क्या है भाई, सिंपल है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. एग्जाम्पल अभी मेरे एम्प्लॉयज है, अब एम्प्लॉयज आर दी पार्ट ऑफ सोसाइटी, उनके लिए बोला विवेक बिंद्रा जी आप आ जाइए, बट मेरे एम्प्लॉयज को अपग्रेड करो, अब मोटिवेशन नहीं बिजनेस मॉडल सिखाओ. ओके, अब क्या हुआ, भले मेरा फायदा ही है, क्यों, अरे मेरे एम्प्लॉय अपग्रेड होंगे तो कंपनी का फायदा है ना. अब वो विवेक बिंद्रा फुकट में आएगा, पैसा लेगा, पैसा बिजनेस कोच है ना, बिजनेस कोच, तो पैसा कौन देगा, कंपनी देगी. लेकिन वोकेशनली डेवलपमेंट किसका हो रहा है, एम्प्लॉय का. एम्प्लॉय कौन है, सोसाइटी का पार्ट, हम इसको भी सीएसआर में क्लेम कर सकते हैं. समझा क्या आपको, क्लियर. यानी एम्प्लॉय का डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाओ, खुद का फायदा भी है कंपनियों का, और साथ में 2% वैसे भी देने ही है, हमने दिखा देंगे समाज को दे रहे, ठीक है, क्लियर. हाँ बोल, वो भी आ सकता है. रिड्यूसिंग चाइल्ड मॉर्टेलिटी, चाइल्ड जो मरते थे ना बच्चे, भ्रूण हत्या, मॉर्टेलिटी ने मरना, कुपोषित से मरते थे ना बच्चे, आपको मालूम है 2005 के पहले कुपोषित बहुत होते थे बच्चे. कुपोषित क्यों होता था मालूम है क्या, माता मतलब मदर्स को पौष्टिक आहार ना मिलने की वजह से बच्चे कुपोषित पैदा होते थे. यू आर द लकीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड कि आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, हर हर इंसान के पास सब कुछ नहीं है. योर परफेक्ट बॉडी इज अ इंडिकेशन ऑफ योर, क्या बोलेंगे, ऑफ योर ब्लेसिंग्स. किसी की दुआ है ना, अरे आज बहुत और अभी की जनरेशन में मिलावट की दुनिया में देखो बहुत बच्चों में जा रही है प्रॉब्लम्स. आपका पूरा होना ही आपका ब्लेसिंग है अपने आप में. भले आपके पास फाइनेंशियली कुछ नहीं है, आपकी बॉडी करोड़ों अरबों रुपए से भी कीमती है,
अगर कोई कभी डाउन फील हुआ तो ये सोचना कि मेरे को भगवान ने परफेक्ट बनाया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी पूंजी है। ओके चलो, तो चाइल्ड मॉर्टलिटी जो रहा है उसके लिए फंड्स इन्वेस्टमेंट करो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वूमेंट होती है ना, प्रेग्नेंट वूमेंट्स, उनको प्रॉपर पौष्टिक आहार दवाइयाँ देना। आप देखिए ना, जब गर्भवती माँ होती है उसको 9 महीने प्रॉपर अगर मेडिसिन नहीं मिली तो उसका बच्चे के अंदर वो पौष्टिक आहार नहीं मिलता, क्योंकि हमारा जो डाइट, जो आज का फूड है वो प्रॉपर मिलावट वाला है। कहता है तो बच्चे को जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और इसकी वजह से बच्चों के अंदर प्रॉब्लम जा रहा है। बच्चे पैदा होते थे मर जा रहे हैं, है ना, सर्वाइवल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमारी जो गायनोकोलॉजिस्ट होती है लेडीज की, वो गायना जो होती है वो 9 महीने उनको पौष्टिक के विटामिन की गोलियां ये वो चालू रखती है ना। तो इससे क्या होता है, इससे चाइल्ड मोर्टलिटी कम होती है। लेकिन हर गरीब महिला ये सब मेडिसिन से परे है ना, तो कंपनियां सप्लाई करती है फिर जीएमसी में, या फिर वो स्त्री रुग्णालय में, है ना स्त्री रुग्णालय, हाँ अरे है ना वहां पे। तो ऐसे जब कंपनियां फ्री में बोलती है कि हमारी तरफ से लो, अब वो फ्री में इसलिए कर रही 2% अपने प्रॉफिट का दिखा नहीं है, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट। देखो ये डायरेक्टर तय करेंगे कौन सी एक्टिविटी अपन लेंगे, सिंपल समझा आपको कंपनियों के। एंड इंप्रूविंग मटेरियल हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग गुड हॉस्पिटल फैसिलिटीज एंड लो कॉस्ट मेडिसिन। आज टाटा जी ने लाखों की बीमारी, कैंसर वाली बीमारी मात्र 1000 रुपए में दे रहे मुंबई के टाटा हॉस्पिटल, मालूम आपको, समझा आपको क्लियर। एक्सपर्ट लोगे, डॉक्टर एक्सपर्ट हो गया बस, ठीक है। तो ये था हमारा सीएसआर, होपफुली आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।